गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं आपकी खुशबू खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आप यहां पे देख रहे होंगे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूं। ओह गॉड, ये है मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और अगर आप इसमें से कुछ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो इसमें बहुत चीज़ें ऐसी ली है जो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने पर्सनल में मतलब पर्सनली मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं इस छोटे से डब्बे में। तो कमान, पहले हम इस छोटे से डब्बे में, ये सिर्फ छोटू सा आइटम है, ये है एक्चुअली, ये है एक्चुअली PRZ एंटी एजिंग और रिंकल फेस सीरम, रिड्यूसेस एज स्पॉट्स एंड रिंकल्स, फेस लुकिंग यंग। इसमें नो पैराबिन, नो मिनरल ऑयल। सो ये इसलिए मैंने मंगवाया है क्योंकि ये जो है ये सीरम है, और ये नाइट सीरम भी है, मॉर्निंग सीरम भी है। तो आप इसे एज ए मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। मेरे जो है कोलेजिन जो है, ये कोलेजिन को इम्प्रूव करता है, तो मेरे में कोलेजिन बहुत कम है और उसकी वजह से जो मेरी स्किन टेक्सचर है उस पर बहुत असर पड़ रहा था। तो मैंने PRZ का ये हर्बल केयर का एक सीरम मंगवाया है। इसका कॉस्ट है 581, और अगर आप मेरे लिंक से जाके इसे अगर परचेज करते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट में मिलेगा। तो आई थिंक आपको 283 या 300 के अंदर ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैं इसे यूज करके आपको रिव्यू जरूर दूंगी। तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं कोई चीज का भी अगर मैं रिव्यू सेंड करूं या रिव्यू अपलोड करूं तो आप सभी मेरे रिव्यू को चेक कर सके और जाके खरीद सके अपने स्किन के लिए कुछ अच्छा। तो ये मेरा सेकेंड डब्बा। ये इसमें देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट जो है वो है एवरयूथ नेचुरल का, और ये एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है इसके बारे में रिव्यू मांग रहे थे, वो चाहते थे कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं अलग से और ये बताऊं कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए सिर्फ आप लोगों के लिए मंगवाया है। मैं बायोटिक का स्क्रब यूज करती हूं, लेकिन एवरयूथ का आई थिंक मैं रिव्यू डालूंगी 2 दिन में। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसका रिव्यू मिस ना कर सके। और मैं एक बात बताने वाली हूँ, जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं अमेजन से, तो मैं उन सब का रिव्यू आपको जरूर डालूंगी ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बिगाड़ है, ठीक है। और ये है, मैंने हिमालया का केसर फेस पैक लिया है। एक्चुअली इसे भी बहुत लोगों ने पूछा था, लेकिन मैं इसे पर्सनली यूज करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे कौन से स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, किसके लिए अच्छा होगा। और बहुत सारे लोगों को इससे ये प्रॉब्लम है कि वो लोग गलती से, अगर उनका स्किन टाइप कुछ और है और अगर ये कुछ और यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको एक्ने आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये है, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में जितनी भी तारीफ किया जाए उतना कम है। ये है एनचैंटर डीलक्स परफ्यूम्ड शावर जेल, और इसमें फाइन फ्रेंच फ्रेगनेंस है। तो ये जो है शावर जेल, एक्चुअली मैं बायोटिक का शावर जेल यूज करती हूँ, पर एक्चुअली मुझे बहुत इसका जो परफ्यूम, मैंने एक्चुअली किसी के घर में देखा था, मुझे याद है उनका जो ये वाला बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ऑर्डर करती हूँ। और इसका जो स्मेल है, अगर आप इससे बात करेंगे तो आपको इसका स्मेल जो है, ओह माय गॉड, ऐसा लगेगा कि आप स्पा में बिल्कुल, ये स्पा की तरह आपको क्लीन करता है। और इसमें सिल्क प्रोटीन भी है जो बहुत अच्छा है, और विंटर आ रहा है तो आपको कुछ ऐसा बॉडी वॉश चाहिए जो आपको हमेशा अच्छा रख सके और हमेशा महकता रख सके। तो ये इसलिए ये भी मेरा पर्सनल यूज है। ओके, नेक्स्ट आता है ये पतंजलि सौंदर्य फेस स्क्रब, ये है मुल्तानी मिट्टी का। इसके बारे में मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, बट एक्चुअली मैं इसे पर्सनली यूज करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये काम करता है या नहीं, और देखते हैं इसके बारे में। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया, आई होप कि मैं आपको आने वाले दिन में इसको यूज करके बताऊं और इसका रिव्यू बताऊं। एक्चुअली मैं अगर यूज करूंगी तो 1 वीक एटलीस्ट मुझे हर रोज इसे यूज करना पड़ेगा ताकि इससे कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं वो सारे पता चले, ठीक है।
तो ये एक हो गया। तो ये डब्बा में लास्ट है ओरिफ्लेम स्वेडन का। तो ये ओरिफ्लेम स्वेडन का लव नेचर क्लींजिंग जेल है। तो एक्चुअली आप लोग शायद फेस वॉश ही यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मुझे पहले क्लींजिंग जेल की ज़रूरत पड़ती है और क्लींजिंग जेल के बाद ही मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ। तो अभी तक मैं एपिसॉफ्ट का ओसी क्लींजिंग जेल यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी मैं ओरिफ्लेम का ट्राई करना चाहती हूँ। तो ये बहुत हाइड्रेटिंग है फॉर नॉर्मल स्किन, और मैं चाहती हूँ कि ये देखूँ कि ये किस तरह, इसमें एक्वा है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा तो ऑयली स्किन है और मेरा एक्ने स्किन है। तो जो एक्वा बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वही मैं यूज़ कर देती हूँ। आप इसे यूज़ करने से पहले ऐसे थोड़ा शेक करके आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ओरिफ्लेम का एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, इसका प्राइस 355 रुपीज का है। मैंने आपको प्राइस नहीं बताया ना किसी का, ओके। तो ये जो एनचैंटर परफ्यूम है इसका 159 है, हिमालय केसर का 70, सौंदर्य एलोवेरा जेल का एंड इसका 75, एवरयूथ का है 65, ठीक है। और ये सीरम का मैंने आपको बताया था 535 या कुछ, चेक ताकि आप लोगों को इजी हो जानने में, 581 का है ये, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की मैंने आपको रेट बता दी। अब चलते हैं इसकी तरफ। इसमें कुछ खास नहीं मंगवाया, नॉर्मल जो होते हैं टिश्यू मैंने मंगवाया, और ये मैंने मंगवाया है मिस्टेक का, और मिस्टेक का टिश्यू हमारे यहाँ सब यूज़ करते हैं, तो मैंने टिश्यू का टिश्यू मंगाया है, तो उसका ही है। अब आते हैं इस वाले डब्बे में, जो कि काफ़ी बड़ा है सब डब्बों से। इसमें तो पहले ये दिया है, पता नहीं मैं रख के सोऊँ या क्या करूँ, बट मुझे ये सारे पैकिंग भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कुछ और चीज़ों के ऑर्डर दिए, वो स्नैपडील से है, तो अगर वो आता है तो मैं उसका भी आपको हॉल दिखा दूंगी, फिलहाल तो इतना का ही हॉल है। तो नेक्स्ट इसमें है ये वाला हिमालया का फ्रेश स्टार्ट ऑयल क्लियर फेस वॉश। ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा प्रेजेंट फेस वॉश है, और मैंने इसे यूज़ किया। मुझे स्ट्रॉबेरी फेस वॉश जो है वो मेरे स्किन को बहुत सूट करता है, तो मुझे लगता है कि हिमालया इज़ वन ऑफ देम। मैं इससे पहले लैक्मी का स्ट्रॉबेरी जेल फेस वॉश यूज़ करती थी, लेकिन अब ये स्ट्रॉबेरी जेल फेस वॉश है। इसमें नेचुरल बीड्स है जो आपकी पोर्स को डेफिनेटली क्लीन करता है। तो फर्स्ट ये मैं तो अभी एपिसॉफ्ट का यूज़ कर रही हूँ क्लींजिंग जेल और ये फेस वॉश, तो अभी मेरा जो है वो चेंज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ओरिफ्लेम का क्लींजिंग जेल और ये हिमालय का फेस वॉश यूज़ करूँगी। और ये मेरा सेकेंड परचेज है, फर्स्ट वाला वो अभी मैंने वॉशरूम में पड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट विंटर्स आ रहा है, तो विंटर्स में आपकी ड्राई स्किन जो है हमेशा सॉफ्ट रखने के लिए ये वैसलीन। एक्चुअली अच्छा इसका प्राइस मैं मिल रहा है 140 रुपीज का है। और एक्चुअली जो ये शैम्पू है, ये जो वैसलीन है, तो ये वैसलीन मैंने खरीदा 233 रुपीस में, और बहुत ही अच्छा है ये, पूरी विंटर भर ये काम आता है। एक्चुअली मेरे घर में अगर मैं ऑर्डर कुछ देती हूँ तो पूरे घर वाले जो यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और पूरा फैमिली पैक है ये। तो या दैट्स इट, आई थिंक मेरे इतने ही प्रोडक्ट्स हैं फिलहाल। कुछ ऑर्डर दिए हैं वो अभी तक आए नहीं है, अगर आता है स्नैपडील से मैंने मंगवाया, ये तो खैर अमेजन हो गया, मैंने स्नैपडील से भी कुछ मंगवाया, अगर वो फाइनली अगर आते हैं तो मैं आपको बता दूंगी उसका भी हॉल करके। और ये सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि हर रोज न्यू वीडियो आने वाला है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं कि इसमें से कौन सा आपका फेवरेट प्रोडक्ट है। और अगर इसमें से कोई चीज़ अगर आपको ख़रीदनी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और ऑर्डर करें। इससे क्या है, अगर आप दुकान में जाके खरीदेंगे तो वो आपको करेक्ट रेट में देगा, जैसे कि मैंने वैसलीन 233 देंगे तो वो शायद एक रुपया भी कम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो लोग आपको 100 रुपीस के अंदर कम करके देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप प्लीज़ इसे ऑनलाइन ही मंगवाएं। और याद रखिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, एंड ऑल्सो ट्विटर पे फॉलो करें, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।